नहीं हो और आप मस्कारा से आपका बेबी बच सकता है, उतना ज़्यादा आपका बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप उससे आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो चुका है तो बहुत गर्म, अभी आपका जो भी रिएक्शन करेगा आपका बेबी पे करेगा। तो ऑलरेडी तो आपका बेबी 1.5 महीने का होगा, 1.5 महीने में वेलकम एंड वेलकम बैक माय चैनल, मैं नंदिनी, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है, आज की वीडियो ये होने वाली है कि आखिर आपको पीसीओडी प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है तो ऐसा क्या सावधान रखे जिसके आपका मिसकैरेज नहीं हो और आप मिसकैरेज से आपका बेबी बच सकता है। तो ऐसा क्या क्या मतलब बॉडी में हरकत होती है जिससे आप पहचान सकते हो और आप अपने बेबी को शेप रख सकते हो और आपका बच्चा बिल्कुल 9 महीने आपका प्रेगनेंसी जर्नी चल सके। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे कि आपका मूड है बहुत ऑफ रहेगा, तो ये नहीं कि हाँ आप अपने मूड के हिसाब से, आप बहुत कूल रहने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा कूल, आप गुस्सा कम करो क्योंकि आप जितना ज़्यादा गुस्सा करोगे उतना ज़्यादा आपका बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप गुस्सा बहुत ज़्यादा कम करिए। और दूसरी चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ मत खाइए, अगर आप जान गए हो कि आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो चुका है तो बहुत गर्म चीज़ नहीं खाइए, ज़्यादा मार्केट की खाना मत खाइए। आप जितना हो सके कोशिश कीजिए कि घर का ही खाना खाएं और जो आपको इच्छा करे, प्रेगनेंसी में बहुत कम इच्छा करता है खाना खाने का, तो जो आपको इच्छा करे वही खाना खाइए। लेकिन हाँ कोशिश कीजिए कि गर्म खाना मत खाइए क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के पहले जब आपका पीसीओडी था तो उस टाइम आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खाए हो, तो अभी आपका जो भी रिएक्शन करेगा आपका बेबी पे करेगा। तो ऑलरेडी पहले से आपका बॉडी में वो गर्म खाने का कुछ तो होगा, तो फिर अभी आप गर्म खाने खाओगे तो फिर बेबी का बहुत ज़्यादा असर करेगा। और ऐसे भी गर्म खाने से क्या होता है कि बच्चा का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ से चलता है, तो इतने छोटा बेबी आप समझ सकते हो, जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया होगा तो आपका बेबी 1.5 महीने का होगा, 1.5 महीने में आपका बेबी का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको मतलब बहुत कम गर्म चीज़ खानी है। हाँ बहुत कुछ मन किया थोड़ा बहुत खा लिए, चलो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं, और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत खाए हो तो आप कोशिश कीजिए, जैसे गर्मी का समय है तो अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मतलब कोल्ड ड्रिंक भी आपको नहीं पीनी है, अभी लस्सी वगैरह पी लीजिए, दही खा लीजिए थोड़ा ठंडा, जिससे आपका बच्चे को मतलब राहत मिले, अच्छा लगे। क्या होता है ना कि जब आप गर्म चीज़ खाते हो, मेरे टाइम पर ऐसा हुआ था कि जब मैं गर्म खाती थी तो मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा घूमने लगता था, ऐसा लगता था कि क्या हो गया, पेट बिल्कुल गर्म गर्म हो जाता था, ऐसा मतलब लगता था मुझे कि मेरे पेट में ऐसा क्या हो गया है, ऐसा आग सेक रहा है वैसे लगता था। तो आप अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जल्दी से जितना आपका मन करे लस्सी पी लीजिए, या फिर दही को भी लस्सी बनता है, अपने घर में भी बना सकते हो, या फिर मार्केट से मंगा सकते हो, या फिर दही खा सकते हो, ठंडी चीज, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब अवॉइड कीजिएगा, ये सब मत खाइएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रही हूँ। आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलेगा अच्छे से वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।